अवतार फिल्म की दुनिया जिसे पंडोरा बुलाया गया है वह एक चांद है जो जीवों के रहने लायक है। उसकी खूबसूरती देखते बनती है। ऐसे नज़ारे हमारी धरती पर भी है। हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही जगहों के बारे में जिनसे प्रेरित होकर पंडोरा की रचना की गई। पहली फोटो है चीन के झांगजियाजी नेशनल पार्क की। यहीं पर फिल्म के उड़ते हुए पहाड़ दिखाए गए हैं जिन्हें हेलेलुया माउंटेन्स बुलाया गया है। इसके बाद आता है चीन का हुआंगशान माउंटेन, ये भी हवा में तैरने वाले पहाड़ों के लिए प्रेरणा बना। इन पहाड़ों को येलो माउंटेन्स भी कहते हैं। यहाँ के नज़ारों से ही प्रेरित होकर जेम्स कैमरोन के पंडोरा के मुख्य विजुअल की रचना की गई थी। वो जगह याद है क्या जहाँ पर जैक सली और निटिरी मिलकर ड्रैगन को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। इस जगह का इंस्पिरेशन वेनेजुएला का एंजल्स फॉल्स है। यह बोलीवार प्रांत के ग्रान सबाना इलाके में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊँचा झरना है। यह करीब 979 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊँचा है। इसमें पानी 807 मीटर की ऊँचाई तक गिरता है। वेनेजुएला की एक और लोकेशन है जिसे अक्सर फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है माउंट रोराइमा। यह टेबल टॉप माउंटेन है यानी बेहद ऊंचा, लेकिन ऊपर का हिस्सा किसी मेज की तरह है। इसके चारों तरफ हमेशा बादल छाए रहते हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह हवा में तैर रहा हो। इसे डिज्नी की अप मूवी में दिखाया गया था। इससे प्रेरित होकर ही अवतार में कई पहाड़ों को उड़ाया गया था। अवतार में जिस पेड़ को आत्माओं का पेड़ यानी ट्रीज ऑफ सोल्स यानी एवा मा बुलाया गया है, उसकी प्रेरणा जापान के आशिगाका फ्लावर पार्क में मौजूद विक्टोरिया पेड़ से लिया गया था। जापान अपने खूबसूरत भौगोलिक जगहों पर फूलों के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा विस्टेरिया के फूल जापान में ही मिलते हैं। इन पर रोशनी पड़ते ही चमकने लगते हैं। आमतौर पर ये गुलाबी रंग के होते हैं। यमन में मौजूद सोकोत्रा आइलैंड ने जेम्स कैमरोन को पंडोरा के कई पेड़ों को बनाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए इस तरह के पेड़ आपको पंडोरा पर देखने को मिलेंगे। सोकोत्रा द्वीप पर ऐसे कई दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं। आमतौर पर इसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहते हैं। पेंडोरा के आसमान को बनाने के लिए जेम्स कैमरोन ने धरती के ध्रुवों पर दिखने वाले नॉर्दर्न लाइट्स का सहारा लिया, इसलिए पेंडोरा के आसमान में हमेशा खूबसूरत रंगीन रोशनी तैरती रहती है। आमतौर पर नॉर्दर्न लाइट्स कनाडा, अलास्का, फिनलैंड जैसे उत्तरी देशों में देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद वेटोमो रुआकुरी गुफा में अगर आप जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेंगे ढेरों रोशनी फेंकने वाले कीड़े। इनकी वजह से ये गुफा चमकती रहती है। इसी गुफा से प्रेरित होकर जेम्स कैमरोन ने अपनी फिल्म के कई सीन में चमकते हुए पौधे, पेड़, कीड़े, तितलियां, मछलियां, यहां तक नाभी अवतार तक बना दिए। पेंडोरा की नदियों, झरनों और गुफाओं के पानी में दिखने वाली चमक का इंस्पिरेशन जमाइका के ल्यूमिनस लगून से लिया गया था। इन्हीं से प्रेरणा लेकर फिल्म में दिखाए गए नाभी अवतारों को भी रात में चमकदार बनाया गया था। लगून में खास तौर से वायोलुमिनेसेंट छोटे जीव होते हैं जो समुद्र की लहरों को चमकदार बनाते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।